दोस्तों संजय दत्त नायक है या खलनायक ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन संजय दत्त की जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हमें लगता है नशों के कारण उनका दी एंड हो गया, वो फिर उभर के सामने आते हैं और इसी को कहते हैं जब जागे तब सवेरा। अपनी वाइफ और मदर की मौत के सदमे से बाहर आना से लेकर कोर्ट केसेस के चलते हुए इतने स्ट्रेस के साथ अपनी मूवीज में इतनी अच्छी एक्टिंग करना, ये केवल संजू बाबा ही कर सकते हैं। दोस्तों फैक्ट यही है, जब जिंदगी में ट्रेजेडी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो कॉमेडी बन जाती है। मिर्जा गालिब ने भी अपने एक शेर में कहा है, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। यानी ट्रेजेडी कॉमेडी हो गई, और ये बात संजय दत्त पर तो लागू होती है। जिंदगी ने संजय दत्त को हर मोड़ पे तोड़ने की कोशिश की, पर वो हर चोट के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर निकले और ठोकरें खाने के बाद वो तराशे गए। इसीलिए थ्री इडियट्स के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने इस पर एक मूवी बनाई है। मेरी दोस्त संगीता ने संजू बाबा की लाइफ पर बहुत रिसर्च की और इस वीडियो में संगीता खुद आपको संजू बाबा की जिंदगी के तीन पहलुओं के बारे में बताएगी, और आप देखिएगा मूवी भी इसी के आसपास घूमेगी। और इसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए संजय दत्त नायक है या खलनायक। दोस्तों मैं हूँ संगीता, मेरी यूट्यूब चैनल लिव लाइफ से। इस वीडियो को खत्म होने के बाद मेरी चैनल लिव लाइफ को जरूर विजिट करिएगा और भी बहुत सारी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो अब चलिए जानते हैं संजू बाबा की स्टोरी। जिंदगी किसी ने जी है तो वो संजय दत्त ने जी है, किसी और ने नहीं। उनकी तरह रंगीन रोमांचक भरी इंटरेस्टिंग जिंदगी शायद ही किसी और की हो। कभी नायक तो कभी खलनायक, कभी ड्रग के नशे में चूर चूर होते हुए, कभी कहा गया कि वो टेररिस्ट हैं, कभी ज्योतिष का कहना सच होते हुए कि वो जरूर जेल जाएंगे, साथ ही बहुत सारे कंट्रोवर्शियल लव अफेयर्स और तीन बार शादी। अपनी जिंदगी के इस उतार चढ़ाव के बारे में संजय दत्त का कहना है, शायद भगवान मुझसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं। संजय दत्त को बचपन में ही बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था उनकी अच्छी परवरिश के लिए। ये एडवाइस सुनील दत्त को इंदिरा गांधी जी ने दी थी, क्योंकि सुनील दत्त उन दिनों कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर थे। 13 साल की उम्र में संजय दत्त ने एज चाइल्ड एक्टर काम किया। रेशमा और शेरा उनकी फर्स्ट फिल्म थी। दोस्तों रॉकी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी माँ को कैंसर होने की खबर आई, और उसी टाइम उसी फिल्म की हीरोइन टीना मुनीम के साथ उनकी अफेयर की खबरें भी सामने उभर के आई। संजू की माँ का सबसे बड़ा ड्रीम था अपने बेटे की फिल्म को बड़े पर्दे पे देखना, पर ये उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। फिल्म रिलीज के कुछ दिन पहले ही उनकी माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजरने का एहसास उनको नहीं था, क्योंकि तब तक वो नशे के दलदल में फंस चुके थे। हीरोइन, हशीश, कोकेन ऐसा कोई भी इलीगल ड्रग नहीं थी जो वो लेते नहीं थे। अपनी माँ को खोने के 3 साल बाद वो रोए थे। शायद दिल में बहुत दर्द था जो होश आने पर आंसू बनकर निकल गए। दोस्तों संजय दत्त बताते हैं, बचपन में एक बार सुनील दत्त ने कश्मीर में उनको सिगरेट पकड़ाई, तब वो पूरी सिगरेट पी गए, जिसे देखकर सुनील दत्त काफी हैरान हो गए। असल में 10 साल की उम्र से ही उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। उनके घर में आए दिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते जाते रहते थे। उन लोगों की आधी फेंकी हुई सिगरेट छिप कर पीते थे संजय दत्त। इसके बाद ही उनको बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कर दिया गया। फिर वो मुंबई लौटे और कॉलेज में भर्ती हुए। तब तक वो ड्रग्स की अंधेरी गली में पूरी तरह फंस चुके थे। माँ नरगिस को इस बात का पता चल गया था जब उन्होंने अपने बेटे को कमरे में अकेले बंद रहता देखा। सुनील दत्त को पता चला तो उन्होंने बहुत कोशिशें की इस आदत को छुड़वाने की। एक इंटरव्यू में संजू बाबा ने बताया था, एक दिन सुबह जब मेरी आँख खुली, पास में एक नौकर खड़ा था। मैंने कहा, भूख लगी है, कुछ खाना दो। सुनते ही नौकर के आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने वजह पूछी तो बोला कि आप 2 दिन के बाद सोकर उठे हैं। शीशे में खुद को देखकर मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, इतनी बुरी हालत थी। मैं डैड के पास गया और बोला कि मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर 1984 ड्रग्स की लत छुड़वाने के लिए उनको अमेरिका के रिहैब सेंटर में ले जाया गया। इसी वक्त उनका टीना मुनीम के साथ रिश्ता टूट गया। यूएसए की रिहैब से लौटने के बाद अपनी लाइफ डिसिप्लिन से जीने के लिए और अपने खोए प्यार को भुलाने के लिए संजू बाबा ने हॉलीवुड एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से इंस्पायर होकर बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। इसी बीच 1987 में संजू बाबा ने ऋचा शर्मा से शादी की। लेकिन लाइफ तो संजय दत्त की थी, स्टेबल कैसे रह सकती थी। 1996 में ऋचा शर्मा की मौत हो गई ब्रेन ट्यूमर के कारण। इसी शादी से उनको एक बेटी हुई जिसका नाम है त्रिशला।
बॉलीवुड में फिर से जगह बना ली संजू बाबा ने नाम फिल्म के साथ। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग क्रिटिक्स को भी पसंद आई। दोस्तों, फिल्म यलगार की प्रोड्यूसर एक्टर डायरेक्टर फिरोज खान ने पहली बार संजय को मशहूर अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलवाया, तभी से उनका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन बन गया था। फिल्म सनम के प्रोड्यूसर समीर हिंगोड़ा और हानिफ काडवाला, जिसकी फिल्म में संजय काम कर रहे थे, ये वो लोग थे जिन्होंने संजय को रिक्वेस्ट पर उन्हें गन सप्लाई किया। 3 गन्स और कुछ हैंड ग्रेनेड दिया गया था पहले, लेकिन 1 गन सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखकर बाकी उन्होंने लौटा दिया। इसके बाद 90 के दशक में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट इंसिडेंट ने उनको हिला कर रख दिया था। समीर और हानिफ को अरेस्ट किया गया था और पता चला वो लोग अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहे थे। बॉम्बे ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाले हथियार इन्हीं लोगों के मदद से सप्लाई हुए थे। समीर और हानिफ से कनेक्शन के वजह से और अवैध हथियार अपने पास रखने के जुर्म में संजय को भी अरेस्ट किया गया। संजय ने अपने डिफेंस में कहा कि ये गन्स उन्होंने फैमिली सेफ्टी के लिए रखी थी। बाबरी मस्जिद रिमोल्यूशन के समय से ही सुनील दत्त को डेथ थ्रेट्स आना शुरू हो गया, लेकिन कोर्ट ने इस बात को सच नहीं माना क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 3 लाइसेंस्ड गन्स थे, तो इल्लीगली गन्स लेने की उनको क्या जरूरत पड़ गई। उन्हें अर्थर रोड जेल में ले जाया गया। इसके बाद पुणे की यरवड़ा जेल में उनको ट्रांसफर किया गया। 1993 में खलनायक रिलीज हुआ, तब संजय जेल में थे। प्रमोशन के लिए संजय की टेररिस्ट इमेज का पूरा फायदा लिया डायरेक्टर ने, इस वजह से फिल्म सुपरहिट भी हुई। जेल में उन्होंने रामायण, हनुमान चालीसा, गीता पढ़ना शुरू किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जिंदगी का असली मतलब उन्हें जेल में रहते पता चला है। जेल से रिहा होने के बाद संजय दत्त की शादी रिहा पिल्लई से हुई 1998 में, और 2005 में ही डाइवोर्स हो गया। सजा काट कर संजय दत्त जेल से बाहर भी आए, फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। दाऊद, वास्तव, दुश्मन, कारतूस, खूबसूरत, दाग दी फायर जैसे फिल्में की। वास्तव फिल्म के लिए उनको फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ईयर 2000 में एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसे ये साफ पता चलता है कि संजय दत्त का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से लगातार चलता था। कई बार इंटरव्यूज में इस कॉल रिकॉर्डिंग का जिक्र किया है संजू बाबा ने। उनका कहना था, उस समय अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को डोमिनेट करता था, तो सभी एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड रहते थे। लेकिन फिर से स्टारडम हासिल हुई 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस से। इस फिल्म में उनका रोल ऑडियंस के दिल को छू गया, उनकी विलन वाली इमेज बदलनी शुरू हुई, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले इस फिल्म के लिए। सरप्राइजिंगली, जो किरदार जिमी शेरगिल ने निभाया, वही किरदार पहले संजय दत्त निभाने वाले थे, और मुन्ना भाई के रोल के लिए शाहरुख खान को ऑफर किया गया था, लेकिन किस्मत को शायद ये बात मंजूर नहीं था। उसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई में भी दत्त को ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिला। 2008 में उनकी शादी दिलनवाज शेख यानी मान्यता दत्त से हुई। इस शादी से उनको 2 जुड़वा बच्चे हुए, लेकिन उनके सर पर टेररिस्ट आरोप लटक रहा था। 2013 में आर्म्स एक्ट फैसला आया, जिसके लिए उनको जेल जाना पड़ा 6 साल के लिए। जेल में रहकर उन्होंने कुर्सियां बनाना सीखी, पेपर बैग्स भी बनाए, जिनके उनको दिन में 50 रुपए मिलते थे। बीच बीच में पेरोल मिली, जैसे कि सब कैदियों को मिलता है। और जेल में संजू बाबा एक रेडियो शो करते थे, जो कि बहुत ही फेमस था। रेडियो जॉकी के द्वारा वो सब कैदियों से कनेक्ट होते थे। अच्छे बिहेवियर के लिए उनकी सजा कम कर दी गई, टाइम से पहले ही वो रिहा हो गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने सारी रूमर्स को गलत साबित कर दिया कि उनको जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। 26 फरवरी 2016, फाइनली संजय दत्त को टेररिस्ट इमेज से छुटकारा मिला। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, जेल लाइफ के एक्सपीरियंस ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। अभी मैं डिसिप्लिन से अपनी बाकी लाइफ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आज़ाद जिंदगी की वैल्यू पता चल चुका है। उनकी जिंदगी एक फिल्म की तरह ही है, जहाँ पर रोमांस, एक्शन, इमोशन, ट्रेजेडी सब कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों, एक साधारण इंसान संजू बाबा की जगह होता तो वो खत्म ही हो गया होता। असल में जिंदगी हमें मौका नहीं देती, मौके हमें जिंदगी से छीननी होती है। और ड्रग से बाहर आने से लेकर कोर्ट केसेस तक संजय दत्त ने ये मौका छीना है। जिंदगी हर मोड़ पे संजू को एक गड़े गड्ढे में ढकलती रही, और संजय दत्त उस गड्ढे से बाहर आते रहे। ये मुश्किलें संजू बाबा के हौसले में एक भी छेद नहीं कर पाई। दोस्तों, बुराई हर इंसान में है, पर अच्छाई भी आपके अंदर ही है। ये आप पर है, आप किसको जीतने देते हो। मेरी नजरों में संजय दत्त तो हीरो है, आपकी नजरों में क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
29 जून को संजय दत्त की बायोपिक रिलीज होने वाली है, जिसमें उनका किरदार निभाने वाले हैं फेमस और बेहतरीन एक्टर रणबीर कपूर। इस बायोपिक में संजय की कई अनछुए पहलुओं को दिखाए जाएंगे, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बेखबर हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए वी रेड चैनल के साथ साथ मेरी दोस्त संगीता के चैनल लिव लाइफ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इनके चैनल पर आपको बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी ही किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।